नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो आपको अपने फोन में सेटअप कंप्लीट करने के तुरंत बाद चेंज करनी है ये 14 सेटिंग्स। ये सभी सेटिंग्स काफी जरूरी है आपके फोन के लिए, तो अगर आप अपने फोन को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये 14 सेटिंग्स। तो आइए दोस्तों, चेंज करते हैं उन सभी 14 सेटिंग्स को वन बाय वन। आप अपने फोन में डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर भी यूज कर सकते हो। तो इसे ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, मोशन एंड जेस्चर्स में, और यहाँ पे होगा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। आपको दोनों को ऑन करना है। आपके फोन में अगर आपको ब्राइटनेस को कंट्रोल करना हुआ तो आपको करना पड़ता है दो बार स्वाइप। एक बार अगर आप स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस का स्लाइडर नहीं मिलेगा। दोबारा जब आप स्वाइप करोगे तब आपको मिलेगा नीचे ब्राइटनेस का स्लाइडर। अगर आप चाहते हो दो बार मुझे स्वाइप ना करना पड़े, बस एक बार मैं स्वाइप करूं तो मुझे ऊपर में ही ब्राइटनेस का स्लाइडर शो करे, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है क्विक पैनल में, थ्री डॉट पे टैप कीजिए, क्विक पैनल लेआउट पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा ब्राइटनेस कंट्रोल। आपको इस पर टैप करके करना है शो ऑलवेज, डन कीजिए। इसके बाद आप अगर एक बार स्वाइप करोगे आपको शो करेगा ब्राइटनेस स्लाइडर। आप देख सकते हो अब आपको दो बार स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन। इस फोन में आपको मिलते हैं कई सारे ऐसे क्विक टॉगल जिन्हें हाइड करके रखा हुआ है, लेकिन जो काफी यूजफुल है आपके फोन के लिए। तो इन टॉगल्स को ऐड करने के लिए आपको जाना है क्विक पैनल में और यहाँ पे प्लस के साइन पे टैप कीजिए स्क्रीनशॉट, तो लॉन्ग टैप करके ड्रैग कीजिए पहले लाइन में। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिम, इसके बाद है किड्स मोड, प्रोटेक्ट बैटरी, सिक्योर फोल्डर और डॉल्बी एटमॉस। तो इन सभी टॉगल को आप वन टैप में ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हुआ तो हमने जो ऐड किया है स्क्रीनशॉट का टॉगल, बस आपको उस पर टैप करना है, स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगी आपके फोन में। अगर आपने अपने फोन में पिन को सेट किया होगा लोकेशन के लिए तो आपने गौर किया होगा जब भी आप पिन को एंटर करते हो तो आपको अपने फोन को अनलॉक करने के लिए लास्ट में ओके पे टैप करना पड़ता है। ओके पे टैप नहीं करोगे तो आपका फोन अनलॉक नहीं होगा। ओके पे टैप करोगे उसी के बाद आपका फोन अनलॉक होगा। तो अगर आप चाहते हो मुझे पिन एंटर करने के बाद ओके पे टैप ना करना पड़े तो आप बिना ओके पे टैप किए भी अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, लॉक स्क्रीन पे टैप कीजिए, स्क्रीन लॉक को ओपन कीजिए, पिन पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपका जो सेम पिन है उसे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे होगा सर्कल, आपको सर्कल में टिक करना है, कन्फर्म कीजिए यूज एनीवे, फिर से पिन एंटर कीजिए, ओके कीजिए। अब आपको ओके पे टैप नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे अगर मैं अपने फोन में पिन एंटर करूंगा तो पिन एंटर करने के बाद अब मुझे ओके पे टैप नहीं करना पड़ेगा। पिन जैसे एंटर हो जाएगा वैसे मेरा फोन अनलॉक हो जाएगा बिना ओके पे टैप किए। तो आप इस तरीके से बिना ओके पे टैप किए अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा तो आपने गौर किया होगा अगर मैं अपने फोन को फेस से अनलॉक करता हूं तो लॉक तो खुल जाता है लेकिन मुझे करना पड़ता है स्वाइप अप, उसी के बाद मैं अपने फोन को यूज कर पाता हूं। तो अगर आप चाहते हो फेस अनलॉक करने के बाद मुझे स्वाइप अप ना करना पड़े, मेरा फोन डायरेक्ट हो जाए अनलॉक, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, बायोमेट्रिक्स में, फेस अनलॉक में और यहां पे जो ऑप्शन है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन अंटिल स्वाइप, आपको इसे ऑफ करना है। अब अगर मैं फेस से अपने फोन को अनलॉक करूंगा तो मुझे स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा, मेरा फोन हो जाएगा डायरेक्ट अनलॉक। आप देख सकते हो स्वाइप अप करने की अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपको पता है आप अपने फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को भी बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने दो मैसेज किए डिलीट, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मैसेज क्या थे। तो अगर आपको देखना हुआ इन मैसेज को तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, एडवांस सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में और यहाँ पे होगा ये ऑप्शन, आपको इसे ऑन करना है स्टोगल को। उसके बाद अगर आप जाओगे लास्ट 24 आवर में, यहाँ पे होगा व्हाट्सएप का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेंगे वो सभी मैसेज जो किए गए डिलीट आपके व्हाट्सएप में। आप अपने इस फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग भी इनेबल कर सकते हो और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के, मतलब कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप उसके कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो और आप उसके कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के लिए आपको जाना है फोन ऐप में, मोर पे टैप करके जाइए सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा रिकॉर्ड कॉल्स का ऑप्शन, आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे है ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स, आपको इसे करना है ऑन, कन्फर्म पे टैप कीजिए। तो आप तीन तरीके से कर सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग, जैसे कि सभी कॉल्स के लिए, अनसेव नंबर के लिए या स्पेसिफिक नंबर के लिए, और जो भी आप रिकॉर्ड करोगे आपके कॉल्स यहाँ पे शो करेंगे रिकॉर्डेड कॉल्स में और यहाँ पे आपको जाना है ऑडियो फाइल में, यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके रिकॉर्डिंग्स। आप इस फोन में
गैलरी में जो एल्बम्स होते हैं उन्हें लॉक कर सकते हो पासवर्ड और बायोमेट्रिक के साथ। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है गैलरी के सेटिंग्स में, अबाउट गैलरी पे टैप कीजिए, वर्जन नंबर पे आपको लगातार 13 बार टैप करना है 13 times, फिर बैक जाइए और नीचे आपको लास्ट में मिलेगा नया ऑप्शन जो है गैलरी लैब्स का, आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे होगा एल्बम एंट्री लॉक्स, आपको इसे ऑन करना है, ओके कीजिए, फिर आपको अपने गैलरी ऐप को करना है रिस्टार्ट, क्लोज करके फिर से ओपन कीजिए। अब जिन किसी एल्बम को आपको लॉक करना है उसे करना है सिलेक्ट, लॉन्ग टैप करके उसे सिलेक्ट कीजिए और मोर पे टैप कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा लॉक एल्बम का ये नया फीचर, आपको इस पे टैप करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे लॉक का आइकन शो कर रहा है, इस तरीके से मैं कई सारे एल्बम को लॉक कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। और अगर आपको इन्हें ओपन करना हुआ तो आपको अपना पासवर्ड या पिन एंटर करना पड़ेगा, आप फिंगरप्रिंट का भी यूज कर सकते हो इसे अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पे आपके शो करेंगे एल्बम के फोटो। अगर आपको इसे फिर अनलॉक करना हुआ तो सबसे पहले आपको इन्हें ओपन करना है, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन अनलॉक एल्बम का, इस पे टैप कीजिए। अब जो लॉक का फीचर है यहाँ से निकल चुका है। कई सारे एप्स ऐसे होते हैं जो मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि आप उन्हें पॉपअप व्यू या स्प्लिट व्यू में ओपन नहीं कर सकते, जैसे कि सैमसंग वॉलेट। अब देखोगे यहाँ पे कोई भी मल्टी विंडो का ऑप्शन नहीं है, जैसे गैलरी में आपको शो करते हैं दो ऑप्शंस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस शो नहीं कर रहे मल्टी विंडो के लिए। सेम तरीके से अगर आप बात करेंगे इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम के लिए भी कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता मल्टी विंडो के लिए। तो अगर आप चाहते हो जो एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते वो भी एप्स मल्टी विंडो सपोर्ट करे, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, लैब्स में, और यहाँ पे होगा ऑप्शन मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम को क्लोज कीजिए और फिर से अगर आप उसे ओपन करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे मल्टी विंडो के लिए ऑप्शंस, ये रहे। किसी भी ऐप को पॉपअप विंडो में ओपन करना काफी आसान है, जैसे कि मान लेते मुझे ओपन करना है प्ले स्टोर को पॉपअप में, तो आपको क्या करना है कॉर्नर से आपको करना है इस तरीके से स्वाइप, आप देखोगे ये हो चुका है पॉपअप विंडो में ओपन। तो काफी आसान है किसी भी ऐप को पॉपअप व्यू में ओपन करना, बस कीजिए इस तरीके से स्वाइप और आपको जहां पे प्लेस करना है वहां पे प्लेस कीजिए ड्रैग करके। अगर आपको किसी भी ऐप को ओपन करना है स्प्लिट विंडो में तो आपको बॉटम से करना है दो फिंगर से स्वाइप अप इस तरीके से, और फिर आप नीचे किसी भी ऐप को ओपन कर पाओगे इस तरीके से। तो काफी आसान है किसी भी ऐप को स्प्लिट विंडो में ओपन करना, बस आपको दो फिंगर से करना है स्वाइप अप। तो इन जेस्चर को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, लैब्स में, और यहाँ पे होंगे दो ऑप्शंस नीचे, स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू और स्वाइप फॉर स्प्लिट विंडो, आपको दोनों को ऑन करना है। आपके फोन में कितनी स्टोरेज और रैम अवेलेबल है आप काफी इजीली चेक कर सकते हो, उसके लिए आपको मिलता है एक विजेट, तो उसे प्लेस करने के लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाइए विजेट में और यहाँ पे होगा डिवाइस करके ये ऑप्शन, टैप कीजिए और आपको इस दूसरे विजेट को लॉन्ग टैप करके ट्रैक करना है होम पेज पे इस तरीके से। इसके बाद आपको करनी है एक चीज, आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे स्टोरेज पे टैप कीजिए, शो हाउ मच इज पॉसिबल सिलेक्शन कीजिए, सेव कीजिए। इसके बाद अब आप चेक कर पाओगे कि आपके फोन में कितनी स्टोरेज और रैम अवेलेबल है, इस तरीके से यहाँ पे शो किया जाएगा। और आप यहाँ पे ब्रश के आइकन पे टैप करके जो मेमोरी है या रैम है उसे भी फ्री कर सकते हो वन टैप में, अगर आप यूज करते हो गैलेक्सी वॉच अपने फोन के साथ। इसके अलावा अगर आप TWS या नेकबैंड को यूज करते हो तो उनके बैटरी लेवल को आप काफी इजिली चेक कर सकते हो, तो उसके लिए भी आपको मिलता है एक शानदार विजेट, आपको लॉन्ग टैप करना है होम पेज पे, जाना है विजेट में और यहाँ पे होगा बैटरी का ऑप्शन, टैप कीजिए और ये रहा बैटरी का ऑप्शन, इस पे लॉन्ग टैप करके इसे ड्रैग कीजिए। आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे यहाँ पे शो कर रहा है मेरे फोन का बैटरी लेवल, ईयरबड्स, ईयरबड के केस और यहाँ पे नेकबैंड। तो जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे आपके फोन के साथ सभी डिवाइस के बैटरी लेवल को आप काफी इजिली चेक कर पाओगे इस तरीके से। अगर आप कोई भी कॉल डायल करोगे या कोई भी कॉल रिसीव करोगे तो आपने एक चीज को किया होगा नोटिस कि कॉन्टैक्ट के नाम के नीचे उसका नंबर भी शो करता है। तो अगर आप चाहते हो ऐसे में केवल कॉन्टैक्ट का नाम शो करे, कॉन्टैक्ट का नंबर मुझे शो ना करे इस स्क्रीन पे, तो आप उसे भी हाइड कर सकते हो। तो आपको जाना है फोन ऐप के सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा अदर कॉल सेटिंग्स, आपको इसे ओपन करना है और ये जो ऑप्शन है शो कॉन्टैक्ट नंबर इन कॉल्स, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर आप कोई भी कॉल करोगे या रिसीव करोगे तो आपको कॉन्टैक्ट के नाम के नीचे नंबर शो नहीं होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे आप कोई भी नंबर शो नहीं कर रहा है। इस फोन में आपको मिलता है वॉइस फोकस का फीचर, मतलब कि मान लेते हैं आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे शोर शराबा काफी ज्यादा है, तो ऐसे में अगर कोई कॉल आएगा आपको तो सामने वाले को आपकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई देगी, तो ऐसे में अगर आप चाहते हो आपकी आवाज ठीक से सुनाई दे तो आप वॉइस फोकस को ऑन कर सकते हो। तो जब भी आप कॉल करोगे या कॉल को रिसीव करोगे तो
तो आपको ऊपर में मिलेगा वॉइस फोकस का ये आइकन, ये रहा, आपको इस पे टैप करना है। ये हो चुका है वॉइस फोकस ऑन, मतलब कि सामने लोगों को अब आपकी आवाज काफी क्लियरली सुनाई देगी। तो आप यहां से इसे वन टैप में ऑन ऑफ कर सकते हो जब चाहे तब। दोस्तों तो ये थी वो 14 सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी थी आपके सैमसंग गैलेक्सी F14 5G में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।